जय भारत। उत्तर प्रदेश में लोगों को किस तरीके से शोषित किया जा रहा है। मैं पिछले 19/4/2018 से निरंतर अपने भतीजे ओम प्रकाश, पुत्र विनोद कुमार, जाति प्रमाण पत्र, अजाति प्रमाण पत्र बनवाने के लिए बार बार आवेदन कर रहा हूँ, लेकिन बार बार निरस्त कर दिया जाता है। कभी लिख देते हैं तो ये जो कार्य अपूर्ण है, कभी लिख देते हैं तो रया जाति शब्द गलत है। इस तरीके से फिर मैंने डीएम के यहाँ भी कई बार एप्लीकेशन दी, कोई कार्रवाई नहीं हुई। दो बार सीएम पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराई, लेकिन एक बार उन्होंने जांच करके कहनिया ये आश्वासन दिया कि आपका प्रमाण पत्र जरूर बनेगा, फिर भी लिख दिया कि ये जाति शब्द गलत है, जानबूझ के निरस्त कर दिया। मैंने फिर आपके दो बार आरटीआई डाली, जिसमें सूचना मिली आपके के जाति प्रमाण पत्र जारी किए जाते हैं और इसकी शासन आदेश इस प्रकार है, लेकिन जो इसको भी अनदेखा करा जा रहा। इसके बाद मैंने आपका दूसरा जन सूचना मांगी, जिसमें आपके तहसील बुलंदशहर में पहले से ही निर्गत किए जा चुके हैं प्रमाण पत्र, लेकिन इन जन सूचनाओं को भी मानने को तैयार नहीं है। इसके बाद मैंने दो बार मुख्यमंत्री पोर्टल पर शिकायत की, तो भी कोई समस्या हल नहीं हुई। हार थक के फिर मैंने प्रधानमंत्री जी के यहाँ शिकायत करी, जिसका उन्होंने कोई वो नहीं करा और फर्जी निस्तारण करके निया फाइल को बंद कर दिया। अब बताएं कि आप मैं कहाँ जाऊँ और अपने बच्चों को प्रमाण पत्र कहाँ से बनवाया जाए, जिसके कारण बच्चों की पढ़ाई में बाधा आ रही है। और पूर्व से ही प्रमाण पत्र हमारे जारी हैं और हमारे जो योगी सरकार है ये हमारा बहुत शोषण कर रही है। मैं लोगों से, जो लोग भी इस वीडियो को देखें, हमारे बच्चों के प्रमाण पत्र बनवाएं और शिक्षा के लिए आगे बढ़ने की कोशिश हो सकें। भारत सरकार का सर्व शिक्षा अभियान इस तरीके से लोगों को जो झूठा साबित होएगा, और सरकार जो सर्व शिक्षा अभियान के लिए बड़े बड़े दावे कर रही है, लेकिन बच्चों को पढ़ने से रोक रही है। इसमें भी राजनीति करी जा रही है कि ये लोग जो तुरैया जाति के लोग, अनुसूचित जाति में हैं, इन्हें जो पढ़ने से रोका जा रहा है। जो लोग भी इस वीडियो को देखें और हमारी मदद करने का प्रयास करें, इसमें आपके जो डॉक्यूमेंट्स में उसी में मोबाइल नंबर है, इसी के मैं साथ में करता हूँ।